गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है क्रिया। आइए जान लेते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, बोध मतलब जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का सो रहा है, यहाँ पर लड़के के किस काम का बोध हो रहा है, सोने का, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, इसी तरह से नहाना, धोना, सोना, चलना, उठना, बैठना, गिरना, हर तरह जो की जो क्रियाएं होती हैं, जो काम होते हैं, उन्हीं को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। संस्कृत में आप क्रिया को धातु ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसका मूल रूप क्या होता है, जैसे पढ़, लिख, खा आदि। इसमें जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं, जब हम इसमें ना प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये बन गया पढ़ना। ठीक है, इसी तरह से ये लिखना है ना, तो जब ये रूप बन जाता है ना प्रत्यय लग करके, तो ये क्या कहलाता है, ये क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। और सामान्य रूप में ये कृदंत सामान्य क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कृदंत सामान्य क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से अब इसके हम भेद पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था, अब क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया के भेद दो होते हैं, पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। पहले हम कर्म के आधार पर देख लेते हैं। कर्म के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, और प्रयोग के आधार सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वालक क्रिया और नामधातु क्रिया। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितनी होती है, पांच प्रकार की। पहली सामान्य क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी संयुक्त, चौथी पूर्वकालिक क्रिया और पांचवी नामधातु क्रिया। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले पहला प्रकार पढ़ लेते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। देखिए, जहां पर कर्म साथ में होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म साथ में होता है और सीधा प्रभाव क्रिया का कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, राधा खाना खा रही है, यहाँ पर ये खाने का जो खाने की जो क्रिया है, इसका सीधा प्रभाव खाने पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अकर्म क्रिया देखिए, नेहा दौड़ती है, यहाँ पर ये जो दौड़ने की क्रिया है, इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि नेहा इसकी कर्ता है, इसलिए कर्ता पर पड़ रहा है, ना कि कर्म पे। तो इसलिए से ये क्या हो गया, आपका अकर्मक क्रिया हो गई। सीधी सी साधारण भाषा में अगर कहें, जहां पर कर्म साथ में होता है वहां पर आपका सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर कर्म साथ में नहीं होता वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस वाक्य में एक कर्म एक क्रिया होगी वहां पर एक कर्म क्रिया है, जहां पर द्विकर्म होंगे वहां पर द्विकर्म क्रिया होगी। जैसे यहाँ देखिए, सीमा दूध पी रही है, यहाँ पर एक कर्म है तो इसलिए ये एक कर्म क्रिया है। यहाँ पर देखिए, माता बच्चों को दूध पिलाती है, अगर ऐसे हम पढ़े तो माता बच्चों को दूध को पिलाती है, तो दो कर्म दिख रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, द्विकर्म क्रिया हो गई। पिलाना तो क्रिया हो गई, बच्चों और दूध यहाँ पर कर्म है, कर्ता कौन है यहाँ पर, माता। तो इस तरह से ये क्या, यहाँ पर दो कर्म होने की वजह से ये द्विकर्म क्रिया हो गई। तो हमने देखिए क्या पढ़ा, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में होता है, जैसे राधा खाना खा रही है, राधा खाना खा रही है, राधा कर्ता हो गई, खाना कर्म हो गया, और खा रही है क्या है, क्रिया है, तो यहाँ कर्म साथ होने की वजह से ये सकर्मक क्रिया हो गया। यहाँ देखिए, अकर्म क्रिया, नेहा दौड़ती है, यहाँ पर दौड़ती है क्रिया हो गया, इसका कर्ता कौन है, नेहा, तो यहाँ पर कर्म तो है नहीं, इसलिए क्या है, अकर्म क्रिया। ठीक है, वैसे भी आप जब कभी क्या लगा करके प्रश्न कीजिए, जैसे वाक्य में आप क्या प्रश्न लगा कर अगर प्रश्न कीजिए, जैसे राधा क्या खा रही है, ठीक, क्रिया के पहले आप क्या लगा दीजिए, अगर आपको जवाब मिल जाता है तो वो सकर्म क्रिया होती है। जैसे देखिए, राधा क्या खा रही है, तो राधा खाना खा रही है, तो ये क्या हो गया, आपका सकर्मक क्रिया हो गया। आइए सकर्मक में भी देख लीजिए, एक कर्मक और द्विकर्मक, जहां पर एक कर्म होगा वो एक कर्मक, और जहां पर द्विकर्मक दो कर्म होंगे वहां पर द्विकर्मक। जैसे देखिए, सीमा दूध पी रही है, यहाँ पर एक ही कर्म है इसलिए एक कर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर देखिए, माता बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये आपकी क्या, यहाँ पर दो कर्म है,
तो ये आपका क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। आइए अब हम आगे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। अब जो क्रिया का दूसरा भाग है प्रयोग या संरचना के आधार पर, उसके आधार पर देख लेते हैं कि क्रिया किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर क्रिया पांच प्रकार की होती है। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए सामान्य क्रिया, जहां पर सामान्य रूप से एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, सामान्य क्रिया का बोध हो रहा हो, वहां पर क्या होता है, सामान्य क्रिया होती है। जैसे देखिए अनमोल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर जो पढ़ने की क्रिया वो सामान्य रूप से पता चल रही है, सामान्य क्रिया भी है ये, तो ये क्या हो गई आपकी, सामान्य क्रिया का उदाहरण हो गया। अगला देख लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए। यहाँ आप देख रहे हैं माँ जो करता है उसने खुद काम न करके दूसरे से काम कराया, तो जहां पर कर्ता खुद काम न करके किसी और से काम को पूरा कराए, क्रिया को पूरा कराए, वह क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे यहाँ देखिए माँ ने धोबी से कपड़े धुलाए, यहाँ जो धुलवाने की क्रिया हुई है ये किससे हुई है, धोबी से, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अगला देख लीजिए संयुक्त क्रिया, राम घर चला गया, जहां पर मुख्य क्रिया को पूरा करने के लिए किसी सहायक क्रिया की सहायता ली गई हो, वहां पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया। जैसे यहाँ देखिए राम घर चला गया, यहाँ पर जो गया है ये क्या है, आपकी मुख्य क्रिया है, इसको पूरा करने के लिए इस क्रिया की सहायता ली गई है, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो। संयुक्त का मतलब भी जानते हैं आप, जोड़ना, दो बातें जहां जुड़ी वहां एक तो संयुक्त होगा, तो इस तरह देखिए दो क्रिया आपको दिख रही है, तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक है, बच्चा जाग कर खेला, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी मुख्य क्रिया के पहले अगर हम किसी अन्य क्रिया का सहायता ले की सहायता ले लेते हैं, उसके सहारे से अपने काम को पूरा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो क्रियाओं का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ इसको पूरा करने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पूर्वकालिक क्रिया हुआ। बच्चा जाग कर खेला, जो खेलने की मुख्य क्रिया है उसके ठीक पहले हमने जाग कर की एक क्रिया को लगाया और इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, अगला देखिए नाम धातु क्रिया। जो नाम धातु क्रिया होती है ये इस तरह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द होते हैं उनसे जुड़कर बनी होती है। जैसे देखिए लज्जा, ये आपका संज्ञा शब्द है, इसमें ना लगा देंगे तो लजाना बनेगा, तो लज्जा अभी यहाँ पर ये संज्ञा है, लेकिन जब हम इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो लजाना बन गया। ठीक है, देखिए क्या बन गया आपका, लजाना। ठीक है, तो ये जो लजाना बन गया, अब ये आपकी एक तरह से क्या बन गई, नाम धातु क्रिया बन गई। उसी तरह देखिए अपना है, इससे क्या हो जाएगा, अपनाना। मैंने आपको पहले ही बताया था आप ना प्रत्यय लगा सकते हैं, अपनाना। ये सर्वनाम है, इससे आपने क्या बना लिया, नाम धातु क्रिया बना ली। इसी तरह गर्म से बना लें, गर्म आपका विशेषण है, तो ये क्या बन जाएगा, गर्माना। क्या बन जाएगा, गर्माना। तो इस तरह से आप नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में ना प्रत्यय लगा करके जब हम क्रिया बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि प्रयोग या संरचना के आधार पर पांच प्रकार की क्रिया होती है। पहली सामान्य, दूसरी प्रेरणार्थक, तीसरी संयुक्त, चौथी पूर्वकालिक, पांचवी नाम धातु। अनमोल पुस्तक पढ़ता है, ये आपकी सामान्य क्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सामान्य क्रिया हो रही है। दूसरा देखिए माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, ये किसका उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया का, क्योंकि यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न कर करके दूसरे से कार्य कराता है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। जैसे माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, खुद नहीं धुले, धोबी से धुलवाए, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अगला देख लीजिए संयुक्त क्रिया, जहां पर हम एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे चला और गया, यहाँ पर हमने दो क्रियाओं का प्रयोग किया, तो ये आपका क्या हो गया, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। अगला है पूर्वकालिक क्रिया, जिसका एग्जाम्पल है बच्चा जाग कर खेला। मुख्य क्रिया के पहले उसे पूरा करने के लिए अगर हम किसी अन्य क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब पहले ही होता है, तो पहले की जो क्रिया हुआ, ठीक है, यानी वो जो खेलने गया तो उससे पहले उसने जागने का काम किया, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगला है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया किसमें लगती है, संज्ञा, सर्वनाम और आपके विशेषण शब्दों में लगती है, वो भी ना प्रत्यय के संयोग से। तो इस तरह के जो बने शब्द होते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत
आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने पढ़ा सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में भी हमने दो भेद पढ़े, एक तो एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। ठीक है, इसी तरह से हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ा सामान्य, प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक और नाम धातु। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्रिया का पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप इसको घर पे पढ़ेंगे और इसके और उदाहरण पहचानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।